मिहिर पावस्कर सोशल मीडिया पे वैसे तो बहुत फेमस है ही, बट ही इज ऑलवेज इन ट्रेंडिंग। मेजरली मोस्ट ऑफ द पीपल नो हिम फॉर हिज डीमन बैक, जिसके कारण ही लुक्स मोर ऑफ एन एनीमे कैरेक्टर। बट क्या ये नेचुरली पॉसिबल है टू बिल्ड सच अ ह्यूज डीमन बैक? तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं मिहिर के कुछ बैक ट्रेनिंग प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूँ, जिसे यूज करके मिहिर ने एक डीमन बैक बनाई है। अगर आप लोगों ने उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया तो आप भी उसकी तरह एक ह्यूज एंड डीमन बैग बना सकते हो। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जाके वो सब्सक्राइब बटन दबा देना और वो घंटा भी दबा देना, बिकॉज यू आर नॉट अलोन, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। सो हे गाइस, मेरा नाम है भार्गव एंड आई एम एन इंजीनियर। तो मैंने मिहिर के बैक ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स को चार पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि एक्सरसाइज सिलेक्शन, टेक्निक, सेट्स एंड रेप्स, एंड लास्टली ट्रेनिंग स्प्लिट एंड रिकवरी। अब ये बात सुन के आपको शॉक लगने वाला है कि मिहिर अपने बैक वर्कआउट में एक भी फैंसी मूवमेंट नहीं करता। तो फिर आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि भाई क्यों नहीं करता? अगर हम उन मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं तो आप अलग अलग मसल्स को टारगेट कर सकते हो, राइट? बट सैडली ही डजंट बिलीव इन दैट। वो एक्सरसाइजेस के बजाय मूवमेंट पैटर्न्स पे ज्यादा फोकस करता है। बेसिकली बैक डेवलपमेंट के लिए दो मूवमेंट्स पैटर्न होते हैं, एक वर्टिकल पुल एंड एक हॉरिजॉन्टल पुल। वर्टिकल पुल आपकी बैक की विड्थ इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है, जिससे आपको एक वी टेपर शेप मिलता है। एंड एक हॉरिजॉन्टल पुल आपके बैक में थिकनेस बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे आपकी बैक एक गोरिल्ला बैक दिखती है। फिर क्यों ना हम सिर्फ एक वर्टिकल पुल एंड एक हॉरिजॉन्टल पुल चूज करें, इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्सरसाइजेस विद डिफरेंट एंगल्स, जो कि इनिशियली सेम मसल टारगेट करते हैं एंड उसमें आपका एनर्जी एंड टाइम दोनों वेस्ट होता है। तो मिहिर का मानना है कि व्हाई नॉट जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स। वो सिर्फ एक वर्टिकल पुल एंड एक हॉरिजॉन्टल पुल परफॉर्म करता है, एंड जस्ट फॉर द चेरी ऑन टॉप वो एक एक्सेसरी मूवमेंट परफॉर्म करता है, जस्ट टू गेट दैट एक्स्ट्रा पम्प। वर्टिकल पुल्स के लिए ही परफॉर्म लैट पुल डाउन एंड हॉरिजॉन्टल पुल्स के लिए ही परफॉर्म सीटेड रोज। मिहिर के टेक्निक की बात करें तो मिहिर एक एक्सप्लोजिव वे में अपने रेप्स को परफॉर्म करता है। मिहिर जब एक वर्टिकल पुल परफॉर्म करता है, यानी कि एक लैट पुल डाउन परफॉर्म करता है, तब जब वो वेट को नीचे लाता है तब वो एक एक्सप्लोजिव वे में वेट को नीचे लाता है, एंड कॉन्ट्रैक्शन मिलने के बाद हमेशा इसेंट्रिक पोर्शंस को कंट्रोल करते हुए वेट को ऊपर लेके जाता है। लैट पुल डाउन्स के टोटल मिहिर 5 सेट्स परफॉर्म करता है, जिसमें से पहले 2 सेट्स वार्म अप सेट्स होते हैं एंड लास्ट 3 सेट्स आर वर्किंग सेट्स। 2 वार्म अप सेट इसीलिए कि मिहिर अपने जो 3 वर्किंग सेट्स है वो हेवी परफॉर्म करता है, एंड हम डायरेक्टली अगर हेवी पे जंप करें तो वहां पे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2 वार्म अप सेट परफॉर्म करने से आपके जॉइंट्स एंड मसल में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, सो दैट यू गेट रेडी टू लिफ्ट दोस हेवी एस वेट्स। वर्किंग सेट्स में मिहिर अपने हर सेट में वेट को इंक्रीज करता है, एंड उस वेट के मिहिर 10-12 रेप्स परफॉर्म करता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हिज फॉर्म। अगर फॉर एनी रीजन उसका फॉर्म गलत हो जाए तो वो वेट को कम करता है एंड एक फॉर्म करेक्ट करके अपने एक्सरसाइजेस वापस से परफॉर्म करता है। अगर फॉर्म गलत हो जाए तो इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो यू नो इट्स अ स्मार्ट वेट जस्ट टू रिमूव योर वेट एंड परफॉर्म द एक्सरसाइजेस। सीटेड रोज पे भी मिहिर सेम प्रिंसिपल अप्लाई करता है, जिसमें वो हर रेप को एक एक्सप्लोजिव वे में पुल करता है एंड कॉन्ट्रैक्शन मिलने के बाद इसेंट्रिक मूवमेंट को कंट्रोल करते हुए वेट को वापस लेके जाता है। बट यहाँ पे अगर आप एक बात नोटिस करोगे कि मिहिर अपने इसेंट्रिक्स को एक आर्नोल्ड की तरह परफॉर्म करता है, जिससे उसे एक मिडल बैक में अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। वंस अगेन ही परफॉर्म्स 5 सेट्स ऑफ सीटेड रो, जिसमें से 2 वार्म अप सेट्स होते हैं एंड 3 वर्किंग सेट्स होते हैं फॉर 10-12 रेप, जिसमें हर सेट्स में वो थोड़ा थोड़ा वेट इंक्रीज करते हुए सेट्स परफॉर्म करता है व्हाइल स्टिल कंट्रोलिंग द नेगेटिव। एंड लास्टली ही परफॉर्म्स केबल पुल ओवर टू फिनिश ऑफ हिज बैक वर्कआउट, जिसके वो 3 सेट्स परफॉर्म करता है 10-12 रेप्स के। अगेन हर सेट में वेट इंक्रीज करता है व्हाइल स्टिल कंट्रोलिंग द रेप्स। पुल ओवर्स में जब वो वेट्स को नीचे पुल करता है तब वो एक एक्सप्लोजिव वे में वेट्स को नीचे पुल करता है, एंड एट द बॉटम पोजिशन ही टेक्स 1 सेकंड ऑफ पॉज जस्ट टू फील दैट कंट्रैक्शन एंड स्लोली कंट्रोल्स द नेगेटिव, एंड एट द टॉप ही गोज ऑल द वे ओवर हिज हेड जस्ट टू गेट दैट एक्स्ट्रा स्ट्रेच एंड रिपीट द सेम प्रोसीजर।
अगर मिहिर के ट्रेनिंग स्प्लिट की बात करें तो मिहिर एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करता है। ब्रो स्प्लिट एक ऐसा स्प्लिट है जिसमें हम हर मसल ग्रुप को हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेन करते हैं। चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग, टोटल 7 दिन। इफ यू लुक क्लोजली तो यू विल नोटिस कि वो 7 डेज अ वीक ट्रेन करता है विदाउट टेकिंग रेस्ट डेज, विच रियली मेक्स सेंस, क्योंकि अगर आप सिंगल मसल अ डे परफॉर्म करते हो तो आपको एक पूरा हफ्ता रिकवरी के लिए मिल जाता है। सपोज आपने अगर चेस्ट को मंडे को ट्रेन किया है तो आप सीधा अगले मंडे ही चेस्ट को वापस से ट्रेन करोगे तो आपको एक पूरा हफ्ता रिकवरी के लिए मिल जाता है, जिसमें आपका मसल 100% रिकवर हो जाता है। जब आप वो मसल नेक्स्ट वीक ट्रेन करते हो तो यू ट्रेन इट फ्रेश विथ यूर फुल पोटेंशियल। इससे होगा ये कि आपका मसल फिर से ब्रेकडाउन होगा एंड उसे फिर से एक पूरा हफ्ता रिकवरी के लिए मिल जाएगा, जिससे आपकी मसल ग्रोथ इवेंचुअली बढ़ जाएगी। अगर आप ब्रो स्प्लिट को किसी दूसरे स्प्लिट से कंपेयर करोगे जिसमें आप हर मसल ग्रुप को ट्वाइस अ वीक ट्रेन करते हो, से पुश पुल लेग्स, तो आप मंडे एंड थर्सडे को सेम मसल ट्रेन करोगे तो जो मसल आपने ट्रेन किया है उसे सिर्फ रिकवर होने के लिए 2 दिन मिल रहे हैं, विच फ्रेंकली इज नॉट इनफ एज यू गेट टू द एडवांस लेवल। जैसे जैसे आप एक एडवांस लेवल पे जाते हो वैसे वैसे ही आपका रिकवरी टाइम भी बढ़ जाता है एंड एज अ रिजल्ट आपके मसल्स ग्रो नहीं होते। बिकॉज जब आप एक बिगनर स्टेज पे होते हो तब आप कुछ भी ट्राई कर लो, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, आप स्टिल मसल गेन करोगे। जब आप बिगनर होते हो तब आप न्यू मसल टिश्यू बिल्ड करने की कोशिश करते हो एंड जब आप एक एडवांस लिफ्टर होते हो तब आपके बॉडी में ऑलरेडी कुछ मसल्स होते हैं जिसे ग्रो करने के लिए आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत टाइम लग जाता है। रिकवरी को लेके आपको और एक चीज करनी है कि आपको रोज 7 to 8 hours ऑफ स्लीप कंप्लीट करनी ही करनी है। मिहिर ट्रेनिंग के साथ साथ रिकवरी पे भी बहुत ध्यान देता है एंड ही मेक्स श्योर कि ही गेट्स 7 to 8 hours ऑफ स्लीप एवरी फकिंग डे। अगर आप इन सारी चीजों को अपने वर्कआउट्स एंड अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करोगे तो डेफिनेटली आप भी मिहिर की तरह एक डीमन बैक बिल्ड कर सकते हो। बस एक चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि आपको पेशेंट रहना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। ऑल राइट, यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप अपने बैक वर्कआउट्स में कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।